भारत को रेल ट्रांजिट सुविधा देने पर बांग्लादेश में विवाद, पीएम शेख हसीना ने दी सफाई। असदुद्दीन ओवैसी ने संसद में शपथ के दौरान लगाया जय फिलिस्तीन का नारा। लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव आज, एनडीए के ओम बिरला और इंडिया गठबंधन के सुरेश के बीच होगा मुकाबला। स्पीकर का कैंडिडेट उतरते ही विपक्ष को झटका, टीएमसी बोली एक तरफा फैसला ले लिया। आरएसएस का संदेश नहीं चाहिए, नड्डा जैसा अध्यक्ष शिवराज संभालेंगे कमान। पांच साल बाद रूस जाएंगे पीएम मोदी, पुतिन के करीबी ने की घोषणा, तारीखों का ऐलान जल्द। केन्या में बिगड़ते हालातों के बीच भारत ने अपनों के लिए जारी की एडवाइजरी, अत्यंत सावधानी बरतने की दी सलाह। पटना के जिलाधिकारी समेत 6 आईएएस का तबादला, चंद्रशेखर सिंह फिर बने डीएम। टैक्स के खिलाफ केन्या में लोगों का भारी बवाल, 5 की मौत, भारत सरकार ने जारी की एडवाइजरी। ओम बिरला को कितनी चुनौती दे पाएंगे के सुरेश, 11 बजे संसद में वोटिंग से होगा नए स्पीकर का फैसला। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।